आदि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। यह जीव अनादि माया से मने अज्ञान से सोया हुआ है। जीव को ये ब्रह्म संबंधी अज्ञान अनादि है। परंतु शांत है और ज्ञान भी है जीव को। कुटस्थ रूप वो भी अनादि है परंतु वो अनंत है। ज्ञान अनादि अनंत और ज्ञान अनादि शांत है। जो अनादि अनंत है वह ज्ञान ब्रह्म कहा जाता है। बुद्धि का साक्षी होने से उसी को कूटस्थ कहते हैं, निर्विकार रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। माया विद्या रूप उपाधि से उसमें सर्वज्ञता अल्पज्ञता आती है और तो भी वो निर्विकार ही रहता है, कूटस्थ ब्रह्म चेतन। सज्जनों, ये असली में ज्ञान किसको दिया जाता है? अज्ञानी जीव को। अज्ञानी जीव में भी तीन चीज है, कूटस्थ चेतन और बुद्धि। अब बुद्धि में पड़ा उस कूटस्थ चेतन का आभास। जीव में ये तीन चीज है, तीनों चीजों को मिलकर के इसको जीव कहते हैं। तो जो कूटस्थ चेतन है वो बुद्धि और अपने आभास का साक्षी है। बुद्धि और आभास इस कूटस्थ चेतन में अध्यास रूप है। ये कूटस्थ चेतन अधिष्ठान है। जिसे रस्सी में सर्प, आकाश में नीलापन, कटाहाकार तंबू के आकार का आकाश देखता है, सुभ्रम है, अध्यास है। ऐसे ही कूटस्थ चेतन में बुद्धि और आभास ये अध्यास रूप ही है। कूटस्थ चेतन का प्रकाश ही साक्षी रहता है। इसको अज्ञानता है नहीं। ये जो ज्ञान है कूटस्थ का, ये अनादि अनंत है। और जो इसी कूटस्थ चेतन का बुद्धि में आभास पड़ा है उसको अज्ञानता होती है। उसका जो स्वरूप ज्ञान है कि मैं कूटस्थ चेतन हूं, ब्रह्म चेतन हूं, ये उस अज्ञान से ढका रहता है। इसलिए इसको, इस जीव को देह इंद्रिय मन बुद्धि में अभिमान हो जाता है, इसलिए नाना दुख पाता है। तो अनाथ माया सुखता, अनादि अज्ञान के कारण ये जीव अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म की तरफ से सोया हुआ है, मतलब नहीं जानता है।
भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है गीता में, अज्ञाने ने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जानतवा। ये जीव का जो स्वरूप ज्ञान है सच्चिदानंद घन कूटस्थ ब्रह्म, वो ज्ञान से आवृत हुआ है, ढका हुआ है, इसलिए ये जीव अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, कूटस्थ को नहीं जानता है, देहों में हमता ममता करके दुख पाता है। तो सज्जनों, शास्त्रों में 6 अनादि बताए गए हैं जीव की तरफ से। एक तो अखंड ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और उस ब्रह्म में अनादि कल्पित माया, क्योंकि उस ब्रह्म में माया कल्पित ही अनादि है, सत्य नहीं, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से अंत होता है इसका। ब्रह्म अधिष्ठान है, ये माया अध्यास रूप होने से कल्पित है। तो एक तो ब्रह्म अनादि है, दूसरी ये माया अज्ञान अनादि है, और तीसरा इस माया का ब्रह्म के साथ संबंध अनादि है, अनादि कल्पित माया अधिष्ठान सत्य में अध्यास रूप है, उसका भेद भी अनादि कल्पित है, ब्रह्म के साथ में संबंध ही अनादिकल्पित है। फिर यही माया विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति, विद्या और अविद्या रूप धारण करती, तो वो जो ज्ञान है ब्रह्म चेतन है अनादि अनंत, जिसको वेदों में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये विद्या विद्या रूप जब माया ने अपने रूप को दो बना लिया, तो इसमें आभास पड़ा उस ब्रह्म चेतन का, क्योंकि वो ज्ञान रूप है। तो उस ब्रह्म चेतन का आभास पड़ने से इस माया ने विद्या विद्या रूप धार कर और ब्रह्म चेतन के आभास को अपने में प्रकट किया। तो माया आभासेन जीव ईशो करोति इति श्रुतौ श्रुतम, ऐसा श्रुति में सुना गया कि माया विद्या विद्या दो रूप धार कर फिर ब्रह्म चेतन के आभास को अपने में धारण करके और जीव ईश्वर की कल्पना कर देती, इसलिए वो विद्या विद्या रूप माया कल्पित और उसने जीव और ईश्वर को बनाया आभास को लेकर के। अधिष्ठान साथ ही है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यास की सत्ता ही नहीं है, उसकी प्रतीति ही नहीं है, इसलिए अधिष्ठान सहित ही जीव और ईश्वर है, ब्रह्म चेतन सत्य चेतन अधिष्ठान के सहित ही है, पर कल्पित है। और फिर ईश्वर जीव का भेद, ईश्वर सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ, और फिर दोनों की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और जीव की कल्पित। माया भासेन जीवेशो करोति इति सुतत्वता कल्पिता वेव जीवेशो ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। ये माया ने ब्रह्म चेतन के आभास को अपने में धारण करके जीव ईश्वर की कल्पना किया, फिर जीव ईश्वर ने
ये संसार की कल्पना किया। इसलिए जीव ईश्वर तो कल्पित है और उनमें संसार की कल्पना जीव ईश्वर में कल्पित है। अब कितनी सृष्टि की कल्पना ईश्वर ने किया और कितनी सृष्टि की कल्पना जीव ने किया, इसको भी शास्त्र बताते हैं। एक क्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईसे न कल्पिता, एक क्षण से लेकर के और प्रवेश पर्यंत इतनी सृष्टि ईश्वर की कल्पना है। श्रुति कहती है कि तदैच्छत बहुश्याम प्रजाए, ईश्वर ने ऐसी इच्छा किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तो ईक्षण करते ही अब वो बहुत हो गया, इच्छा मात्रम प्रभु श्रेष्ठ। परमात्मा द्वयानंदा पूर्णा पूर्वम स्वमायया स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपता। वो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा अपनी माया के द्वारा, ये इच्छा शक्ति माया है, अपनी उस इच्छा शक्ति के द्वारा स्वयमेव जगत भूत्व स्वयं ही जगत रूप धारण कर लिया और फिर देखा कि ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये दोनों शरीर सब बन गए, परंतु इनमें कोई हलचल नहीं है, मुर्दा के समान पड़े हैं। फिर कहा प्रादेश जीव रूपता, जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो जीव रूप से प्रवेश क्या है, कहा देह इंद्रिय मन बुद्धि ये तो सब बन गए पहले ही उसकी इच्छा शक्ति से, परंतु इनको चेतन करने के लिए बुद्धि में आभास रूप से प्रकट हो गया, इनका नाम जीव हुआ, प्राविशत जीव रूप था आभास एव च, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। जैसे एक ही चंद्रमा आकाश में है, सूर्य आकाश में अकेला एक ही है, पर इस पृथ्वी में यदि हजारों घड़े निर्मल जल से भर के रखे जाएं, तो वो एक सूर्य प्रतिबिंब रूप से हजारों सूर्य भासता है, बिंब रूप से तो एक ही है, पर प्रतिबिंब रूप से जल पूरित निर्मल जलों में प्रतिबिंब रूप से अनेक भासता है। तो एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एक था तब बहुधा चैव। तो सज्जनों, तालाब में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो एक है, और उसी तालाब के जल अनेक घड़ों से भर के रखे गए, अनेक घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है सो अनेक दिखाई पड़ रहा है, और सूर्य जो सत्य वस्तु है वो एक है, तालाब की उपाधि में उसी का प्रतिबिंब एक दिखाई पड़ता है, तो एक उपाधि भेद से ये आभास की कल्पना है, और घट जलों में अनेक दिखाई पड़ता है, तो घट जल अनेक है इसलिए प्रतिबिंब अनेक दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही माया में पड़ा हुआ जो आभास है शुद्ध ब्रह्म का,
वो तो एक ईश्वर कहा जाता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होता है। और इन बुद्धियों में पड़ा हुआ जो उसी चेतन ब्रह्म का आभास है, सो अनेक है और अनेक आप प्रतिबिंब है, सो ये जीव कहे जाते हैं। तो जैसे सूर्य तो सत्य है और उसके प्रतिबिंब एक हो तालाब में अथवा घट पूरित जल पूरित घड़ों में अनेक हो, सो कल्पित ही होंगे, सत्य नहीं होंगे। सर्वज्ञता अल्पज्ञता ईश्वर जीव के ही धर्म है। इस प्रकार से ईश्वर जीव का भेद हो गया, तो ये छह अनादि हो गए, ब्रह्म माया और माया ब्रह्म का संबंध, और ईश्वर और जीव और ईश्वर जीव का भेद। अब इन छह में जो ब्रह्म है वो तो अनादि अनंत है, और शेष बचे पांच माया और माया का ब्रह्म से संबंध, और जीव ईश्वर और जीव ईश्वर का भेद, ये पांच अनादि शांत है। अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान से ये पांचों की शांति हो जाती है। अब ब्रह्म तो अनादि अनंत है, इसलिए उसका तो अंत होता नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो सज्जनों, अब ईश्वर तो सर्वज्ञ होने से अल्पज्ञ जीव को जो शरण में आता है उसको ज्ञान का उपदेश देता है, और शरण में नहीं आता जो जीव उसको उपदेश भी क्या देवे। ईश्वर दयालु कृपालु है, सर्वज्ञ है, जीव पर परम अनुकंपा है, परंतु जो जीव शरण में आवे उसको ईश्वर ज्ञान देता है। तो ज्ञान देने से अज्ञान का नाश हो जाएगा, और अज्ञान के नाश से तो अज्ञान अनादि नाश हुआ, तो अज्ञान का जो ब्रह्म से संबंध है उस संबंध का नाश हो जाएगा, और माया रूप अज्ञान के ही विद्या विद्या भेद थे तो उनका नाश हो जाएगा, और विद्या विद्या उपाधि न रहने से उनमें जो पड़ा हुआ अभाव से जीव पना ईश्वर पना का उनका नाश हो जाएगा, और जीव ईश्वर के नाश से उनका जो सर्वज्ञता अल्पज्ञता का भेद है वो भी नाश हो जाएगा। नाश होकर ये कहां जाएंगे, कहा अधिष्ठान रूप ही हो जाएंगे। तो ब्रह्म इनका सबका अधिष्ठान है, तद्रूप माने ब्रह्म रूप ही प्रतीत होंगे, क्योंकि अभ्यास कोई वस्तु नहीं हुआ करती है, जैसे रस्सी में सांप कोई वस्तु नहीं है, अधिष्ठान रूप रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सर्प कल्पित है, कल्पित की निवृत्ति सत्य में ही होती है। इस प्रकार से अज्ञान और अज्ञान का इस जीव के साथ में अज्ञान इन आवृतम ज्ञानम जिसको कहा गया है, जीव के साथ में ये जो अज्ञानता आ गई है, इस अज्ञान के नाश होने से और भेद भी नष्ट हो जाता है ज्ञान अज्ञान का, तद्रूप ही दिखाई पड़ता है। अब देखना ये है कि ज्ञान तो अज्ञान का बाधक होना चाहिए, दोनों रह कैसे सके। ज्ञान भी अनादि अज्ञान भी अनादि, ये विचार का विषय है। ईश्वर जीव ये सब अनादि,
तो पूर्व पक्षी कहता है, गुरु से शिष्य पूछता है कि हे गुरु, ज्ञान तो प्रकाश रूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं रह सकता, अकेला प्रकाश रहेगा, अंधकार नहीं रह सकता। तो ये दूसरा जो आप ज्ञान के साथ अज्ञान भी बता रहे हो कि वो भी बना रहा और अज्ञान के साथ संबंध भी बना रहा, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा जिज्ञासु शिष्य के पूछने पर गुरु उसका समाधान करते हैं कि हे शिष्य, ये जो ब्रह्म चेतन है, कूटस्थ चेतन है, वो निर्विकार है और वो सामान्य ज्ञान है, उसमें कोई विकार नहीं है, सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का विरोधी नहीं होता है, बाधक नहीं होता है, उल्टे साधक होता है। जैसे हमारी तुम्हारी सुसुप्ति में अज्ञान है और हम तुम अज्ञान के साक्षी रहते हैं, यदि हमारा तुम्हारा साक्षी का ज्ञान इस सुसुप्ति रूप अज्ञान का बाधक होता तो नहीं रहना चाहिए था, पर सुसुप्ति का ज्ञान भी बना रहता है और हम उसके प्रकाशक साक्षी भी बने रहते हैं, उल्टा सिद्ध करते हैं कि यह अज्ञान है निद्रा का, भाव रूपता सिद्ध कर रहे हैं कि हाय हम ज्ञान रूप है। तो जो कूटस्थ चेतन है, निर्विकार है, ब्रह्म चेतन है, वो अज्ञान का उल्टा आश्रय है, बाधक नहीं साधक है। फिर बाधक कौन होता है इसका? कहा वृत्ति में आरूढ़ जीव की जो वृत्ति है, जो चिदाभास रूप जीव है, उसकी जो साभास बुद्धि की वृत्ति होती है, और वो भी इंद्रिय प्रमाण से नहीं, वेद प्रमाण से, ईश्वर के वचन प्रमाण से, ईश्वर के वचन ही वेद है, अवान्तर वाक्य महावाक्यों से जब उपदेश करता है गुरु, तत्त्वमसी वही तू है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तू है, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। तो ये वृत्ति ज्ञान से ये अज्ञान आवरण का नाश होता है, सामान्य ज्ञान से नहीं होता है। अच्छा, सामान्य ज्ञान में कोई अज्ञानता नहीं, कोई भ्रांति नहीं, ये जो भ्रांति हुई है ये जीव को ही हुई है, अब बंध जीव का ही है, अब मोक्ष भी जीव का ही है, ये चिदाभास का ही धर्म है, कूटस्थ साक्षी का नहीं, वो तो अज्ञान का भी प्रकाशक ज्यों का त्यों है, कोई अज्ञान से संबंध भी नहीं होता। जिस सुसुप्ति में हम अज्ञान को प्रकाशते हैं, अज्ञान से कोई संबंध नहीं, अलग है, पर उसके विनाशक भी नहीं है। जैसे सामान्य अग्नि और विशेष अग्नि, दृष्टांत में समझो आप, जो सामान्य अग्नि है वो अंधकार की विरोधी नहीं होती है, व्यापक अग्नि को सामान्य अग्नि कहते हैं और प्रगट अग्नि को विशेष अग्नि कहते हैं।
तो सामान्य अग्नि संसार में बनी रहती है और ब्रह्मांड में अंधेरा भी छाया रहता है और घर में भी अंधेरा छाया रहता है और व्यापक अग्नि तो सर्वत्र है ही, काष्ट में, कोयला में, ईंधन में, सब में व्यापक है, कण कण में अग्नि व्यापक है, पत्थर में, लोहा में, सब में व्यापक है, माचिस में भी व्यापक है, परंतु अंधकार भी बना रहता है और हजारों माचिस और दीपक भी अपने घर में तुम रखो, प्रकट ना करो अग्नि को। और तेल और बत्ती से भरा हुआ दीपक आप रखो, माचिस भी है, तो व्यापक अग्नि है। जब तक आप अग्नि को प्रकट ना करोगे माचिस को खिंचा के और दीपक के बत्ती में स्पर्श नहीं कराओगे, अब वो ज्योति जब तक न जलेगी दीपक की, तब तक अंधेरा नहीं दूर होता है। तो वो विशेष अग्नि है, प्रगट अग्नि विशेष अग्नि है। तो विशेष अग्नि तो बाधक बन गई अंधकार की, और सामान्य अग्नि तो पहले भी दीपक में भी है, तेल में भी है, बत्ती में भी है, माचिस में भी समाई, सब में समाई है, अंधेरा दूर नहीं होता। इस प्रकार से कूटस्थ चेतन अंधकार का, अज्ञान का विरोधी नहीं है और उसका प्रकाशक है, उसका साक्षी है। और जो इन महावाक्यों के द्वारा, महावाक्य रूपी प्रमाणों से जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है बुद्धि की, जीव की बुद्धि से जब ये जीव को ऐसा ज्ञान होता है कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो अज्ञान का निवारण हो जाता है, अज्ञान अंधकार का नाश होता है। ये समाधान गुरु ने किया, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान का आभास है, कहां बुद्धि में पड़ा है, प्रकट ज्ञान है ना ये। जैसे प्रकट अप्रकट दोनों अग्नि ही है, पर प्रकट अग्नि अंधकार की विरोधी होती है और अप्रकट अग्नि विरोधी नहीं होती। सामान्य अग्नि सब में समाई, दीपक में, सूर्य में, सब में, पर जब दीपक में प्रकट हुई तो घर का अंधेरा हटा, और सूर्य में प्रकट हो गई वही अग्नि और सारे ब्रह्मांड का अंधकार हट गया। ये विशेष अग्नि है, उपाधि भेद से अल्प प्रकाश और अधिक प्रकाश है, सूर्य रूपी उपाधि में अधिक प्रकाश है, सूर्य उपाधि महान है और दीपक रूपी उपाधि अल्प है, इसलिए थोड़ा प्रकाश करती है, घर का अंधेरा हटा देती है। तो जितना भी व्यवहार होता है सज्जनों, ये विशेष अग्नि में ही होता है, सामान्य अग्नि अव्यवहार है। ऐसे ही जो सामान्य चेतन ब्रह्म चेतन है, कूटस्थ निर्विकार, उसमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है, विशेष चेतन में ही ये सब व्यवहार है, आभास चेतन में ही ये व्यवहार है। सूर्य के समान माया है और दीपक के समान ये बुद्धियां हैं,
तो माया रूपी उपाधि में वही ब्रह्म प्रकट हुआ तो सूर्य के समान प्रकाशमान सर्वज्ञ कहा जाता है, अधिक ज्ञान होता है। आई बुद्धि रूपी उपाधियों में वही ब्रह्म प्रकट हुआ है जिसको जीव कहते हैं, अब ये अल्पज्ञ ही होता है, थोड़ा ज्ञान होता है। तो उपाधि भेद से सूर्य और दीपक में अग्नि के प्रकाश ज्यादा कमती होते हैं, वास्तव में नहीं, और सामान्य अग्नि में तो ज्यादा कमती की कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्म चेतन है उसमें ज्यादा कमती सर्वज्ञता अल्पज्ञता कुछ नहीं है, किंतु सर्वज्ञ ईश्वर का अल्पज्ञ जीव का साक्षी मात्र है, उपप्रकाशक मात्र है, उसमें सर्वम जानाति अल्पम जानाति ये क्रिया नहीं होती है, ये तो व्यवहार है। सर्वज्ञ अल्पज्ञ सबको जानता है, अल्प को जानता है, इसमें तो ये जानना रूप क्रिया सर्वम जानाति ये क्रिया है, और जो साक्षी चेतन है उसमें ये क्रिया नहीं है, प्रकाश मात्र। ज्ञप्तिर ज्ञानम ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र है, उसमें कमी बेसी नहीं ज्ञान, ये कूटस्थ चेतन निर्विकार। इस प्रकार से सज्जनों गुरु ये जीव का वास्तविक स्वरूप जो सामान्य चेतन है, कूटस्थ चेतन है, ब्रह्म चेतन है, उसका ज्ञान कराते। सो ये ज्ञान ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा, अपनी जीव की अपनी ऊपर अपनी कृपा, साभास बुद्धि की, ये जीव है, ये जीव अपने ऊपर भी दया करके और ईश्वर की शरण या गुरु की शरण में जाए, तब ईश्वर कृपा जीव और गुरु कृपा भी होगी। तो सज्जनों ये चार कृपाओं से ये ब्रह्म ज्ञान अपने स्वरूप ज्ञान संभव है, चारों कृपा का संयोग होना चाहिए। ईश्वर कृपा तो पहले यही है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जन्मता मरता हुआ इस जीव को नर शरीर दे देवे, नारायण का ज्ञान का साधन नर शरीर ही है और दूसरा कोई नहीं है, और ईश्वर की कृपा बिना नर शरीर नहीं मिलता। आकर 84 लाख योनि भ्रमती है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहू की करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। 84 लाख चार खानी 84 लाख योनियों में ये जीव घूम रहा था तो ईश्वर ने कभी दया करके करुणा करके इसको नर शरीर दे दिया, अब ये नारायण के जानने का साधन दे दिया, अब ये नर शरीर को पा करके इस जीव को उचित है कि नारायण को जान करके फिर 84 लाख योनियों में न जाए और जन्म मरण से अपने आप को मुक्त कर ले, छुड़ा ले। तो अब इसको क्या करना चाहिए नर शरीर पाके, ईश्वर की कृपा तो भरपूर हो गई, अब इसको ये चाहिए कि ईश्वर की शरण में जाए अथवा ईश्वर के कृपा पात्र संत महात्मा गुरुजन है, गुरुओं की शरण में जाए, संतों की शरण में जाए, तब फिर गुरु कृपा भी होगी, वेद कृपा होगी,
गुरु वेद मंत्र सुनाएंगे। यदि जीव इनकी शरण में न जाए तो गुरु भी क्या करेंगे, संत भी क्या करेंगे। इसलिए ईश्वर गुरु की शरण में जाना और विधि पूर्वक उनको दंडवत प्रणाम करना और बहुकाल तक सेवा करना, तब विधि भगवान कृष्ण कहते हैं तब उस ब्रह्म को तुम जानो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। इस प्रकार से ज्ञानी संत महात्माओं की गुरुओं की सेवा करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो पहले और बहुत काल तक सेवा करो, और फिर उस ब्रह्म के संबंध में, आत्मा परमात्मा के संबंध में, अपने कल्याण के संबंध में प्रश्न करो तो वो उपदेश करेंगे। जब वो उपदेश करें तो उनको श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद में मनन करो, और मनन के बाद में निधिध्यासन करो, और तत्त्वम पद का शोधन जैसा बताते हैं, तत् और तुम में जो मिथ्या भाग है माया विद्या और आभास, उनको त्याग करके सत्य चेतन ब्रह्म शेष रहता है। निधिध्यासन के द्वारा सम्यक उसको जान लो। तो सज्जनों, ये जीव की आत्म कृपा है, अपने ऊपर, अपने उद्धार के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये अपने ऊपर दयालु होए, और तत्ववेत्ता गुरुओं के पास में जाकर के उनकी सेवा करे और उनके द्वारा फिर इस तत्व को जाने। अवश्य गुरु उपदेश करेंगे तो करुणा सागर है ही है। तो सज्जनों, ये चार कृपाओं का जब संयोग हो तब ब्रह्म ज्ञान होता है, अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। अब ये चारों कृपाओं में एक कृपा नहीं होगी, ईश्वर कृपा नहीं होगी, तो नर शरीर ही नहीं मिले। नर शरीर के बिना ये वेद शास्त्र कौन सुनेगा? पशु पक्षी के शरीर तो सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। नर शरीर में ये संभव है कि ईश्वर की वाणी वेद सुने गुरु के द्वारा और उसका अर्थ समझे, अपना कल्याण करे। तो ईश्वर की कृपा बिना भी ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, और गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो गुरु किसको उपदेश देगा। इसलिए गुरु की कृपा भी अनिवार्य है, उनकी शरण में जाना भी जरूरी है। अब गुरु के शरण में चला भी गया, उन्होंने उपदेश भी किया, परंतु इसने सावधान मन से श्रवण न किया और मनन न किया, निधिध्यासन न किया। माने आत्म कृपा ये है, तो अपनी कृपा भी यदि न हुई, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा तो हो गई, परंतु अपना श्रवण मनन निधिध्यासन न किया समय प्रकार से, तो भी ज्ञान नहीं होगा। चारों कृपा जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि भाई गुरु कृपा कर देवे, आशीर्वाद दे देवे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए। और आधुनिक महात्माओं के कुछ दृष्टांत भी देते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत बहुत प्रचलित है। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में हो गए हैं, उन्होंने विवेकानंद को उनके सिर में हाथ रख दिया, शक्तिपात कर दिया। शक्ति पात्र करने से वो ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, उनका कल्याण हो गया।
विवेकानंद का। ऐसे ही गुरुओं को चाहिए कि वो शिष्य के ऊपर कृपा कर दें, शक्तिपात कर दें और शिष्य ज्ञानी हो जाए, तो शिष्य को कुछ न करना पड़े, मतलब उनकी कृपा से ज्ञान हो जाए और मुक्त हो जाए। ये उदाहरण, ये प्रमाण कई लोग सुनाया करते हैं। यदि ये प्रमाण सत्य होता तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण को, जो जगत गुरु हैं, उनको अर्जुन जैसे शिष्य को, जो अर्जुन जैसा शिष्य है, विवेक वैराग खड़ संपत्ति मोक्षता चतुष्टय साधन संपन्न है, भगवान कृष्ण का परम भक्त है, तो कृष्ण को गीता न सुनानी पड़ती। वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो तो केवल आशीर्वाद ही दे देता, सिर पर हाथ धर देता और अर्जुन ज्ञानी हो जाता। गीता सुनाने की कौन जरूरत रही। इससे जाना जाता है ये उस संत की प्रशंसा मात्र है, स्तुति मात्र है। स्तुति करने से आकर्षण होता है, उधर झुकाव होता है। ऐसा नहीं केवल आशीर्वाद से। अब जब उधर झुकाव होगा, प्रशंसा होगी तो लोग जाएंगे, तो फिर गुरु उनका उपदेश दे दिया करता है। ऐसे ही विवेकानंद को भी ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया और वो पहले से भी विद्वान थे, उन्होंने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, उनको ज्ञान हो गया। और नहीं तो एक विवेकानंद थोड़े थे, हजारों शिष्य उनको भी सिर में हाथ धर देते और वो भी मतलब ज्ञानी हो जाते। तो एक विवेकानंद को उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। कृपा की क्या बात है, कौन सी कमी है कृपा की, चाहे जिसके ऊपर हाथ रख दे वो वही ज्ञानी हो जाए। जो भी अवसर में तो एक विवेकानंद को ज्ञान हुआ, उसी के सिर में हाथ रख के वही ज्ञानी हो गया। तो सज्जनों, इसको कहते हैं स्तुति, प्रशंसा। जैसे अब यहाँ किसी संत के संबंध में आप सुनो कि अमुक संत बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है और ज्ञान हो जाता है, ये प्रशंसा सुनकर लोग आएंगे अपने कल्याण के लिए, ये तो प्रशंसा रही ना। परंतु दर्शन मात्र से ज्ञान नहीं होता सज्जनों। और जब दर्शन करेगा बैठा, उसकी श्रद्धा भक्ति तो हो जाएगी ना प्रशंसा सुन करके कि हमारा कल्याण हो जाएगा, चलो तो श्रद्धा हो गई उसकी। और फिर जब यहाँ आएगा तो वेद शास्त्र और गीता का जो ज्ञान है उसका गुरु फिर उपदेश करेंगे, तो फिर वो ज्ञानी हो जाएगा। ये अभिप्राय है सज्जनों, शक्तिपाद और कृपा आदि का। तो सज्जनों, ये चारों कृपाओं की आवश्यकता है, माने अपनी कृपा की अपने ऊपर जरूरत है। तो ईश्वर की शरण जाना, भगवान की भक्ति करना, गुरु की शरण में जाना, गुरु की सेवा करना और वैराग्यवान होकर के, जिज्ञासु होकर के इस गीता ज्ञान को, ये उपनिषद ज्ञान को श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये अपनी कृपा है। श्रवणं तु गुरो पूर्वं, मननं तदनंतरं, निधिध्यासन मित्ते तत्पूर्ण बोधस्य लक्षणं। गुरु से, गुरु के पास जाए, विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता आदि ये साधन संपत्ति लेकर जाए श्रद्धा भक्ति से, फिर वो जो कुछ उपदेश देवे
आत्मा परमात्मा के संबंध में उनको सावधान मन से श्रवण करे, भूले नहीं, और फिर कई बार उसका विचार करे, मनन करे उत्तम उत्तम युक्तियों से, और उसके बाद में निधिध्यासन में लावे, उसी जीव और ब्रह्म की एकत्व में टिक जाए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही उना पड़ा। सब शरीरों में जो जीव है वो चेतन का आभास होने से चेतन ब्रह्म रूप ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा उपदेश। और जगत का ये सब मिथ्या है, छाया मात्र है। तो पूर्ण विश्वास के साथ में ये वेद वचन है ना, ईश्वर की वाणी वेद है, सर्वज्ञ ईश्वर है, जगत गुरु है, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ में ब्रह्म सत्य है वो हमारा, और जो जीव है इन सब शरीरों में कूटस्थ है वो ब्रह्म ही है। चिदाभास रूप से भी कूटस्थ रूप से तो ब्रह्म है ही, पर कूटस्थ चेतन का जो आभास है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से जुदा देह इंद्री मन बुद्धि तो हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण में समझो, हम आप अपने मुख को देखने के लिए शीशा लेते हैं, भला तो जब शीशा लेते हैं तो उसमें शीशा में हमारा तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता है। अब ये तीन चीज हो गई, एक तो हमारा सत्य मुख है जो हमारे शरीर के साथ लगा हुआ है, जो देखता है, जिसमें आंखें हैं, इस मुख में सत्य मुख में नेत्र हैं और देखता है। अपने मुख को प्रकट करने के लिए हमने शीशा लिया है, प्रतिबिंब पड़ेगा, आभास पड़ेगा, हमारी छाया पड़ेगी उसमें, शीशा बिना तो छाया पड़ेगी नहीं। तो शीशा और हमारे सत्य मुख का प्रतिबिंब, ये तीन चीज हो गई। इनमें जो है सत्य, सत्य मुख तो इसी हमारे पास है, नेत्र हमारे पास में है, बाकी वो दर्पण और दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तो वो मिथ्या है, उपाधि के कारण हमारा प्रतिबिंब है पर वो सत्य नहीं है। तो उस प्रतिबिंब का, उसी को जीव कहते हैं, वो प्रतिबिंब रूपी जीव भी शीशा तो हो नहीं सकता। शीशा तो एक हमारे सत्य मुख के प्रकट करने का साधन मात्र है, इसलिए वो प्रतिबिंब रूप जीव का भी सच्चा स्वरूप मैं बिंब रूप चेतन ही होऊंगा, कूटस्थ ही होऊंगा। उसको बाध करके तो जीव को इस सज्जनों ये चिदाभास को ही ये ज्ञान होता है, इसी को बंध है, इसी को मोक्ष है, यही कर्ता भोगता है। कूटस्थ चेतन न करता न भोगता और न ये उपाधियां, यही करता साभास बुद्धि ही करते, तुम साभास बुद्धि में करते तो भोगते तो। परंतु ये सज्जनों ये संग दोष से है, बुद्धि के साथ में संग करके अपने को बुद्धि रूपी दर्पण समझ लिया। मैं कूटस्थ चेतन बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ जो जीव है, तो प्रतिबिंब का सच्चा स्वरूप तो मैं हूंगा, बुद्धि रूपी दर्पण तो होगा नहीं। इसलिए जीव को ही ज्ञान कराया जाता है। जीव ऐसा ज्ञान करता है कि मैं कूटस्थ चेतन हूं क्योंकि उसी का प्रतिबिंब हूं, बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं। बुद्धि के बाद मन है, इंद्रियां है, फिर बाद में यह स्थूल शरीर है, ये तो मेरा स्वरूप हो ही कैसे सकते हैं। इनको तो मैं चिदाभास स्वयं ही देखता हूं, प्रकाशता हूं, और ये चिदाभास बुद्धि में यही इंद्रियों के द्वारा निकल करके इन देह आदि विषयों को प्रकाशता है। अब मैं प्रकाशक हूं तो ये तो मैं हो ही नहीं सकता हूं और बुद्धि भी नहीं हो सकता हूं। गुरु के बताने से ऐसा जाना जाता है कि हे जीव,
तो कूटस्थ का आभास प्रतिबिंब है, इसलिए तेरा सच्चा स्वरूप बिंब रूप कूटस्थ चेतन है। तब ये जानता अपने को बाध करके मैं मिथ्या हूं और मेरा सत्य स्वरूप कूटस्थ चेतन बिंब है। इस प्रकार से जीव का अपने कूटस्थ चेतन के साथ में बाध समानाधिकरण है और कूटस्थ चेतन और ब्रह्म चेतन वो तो एक रूप है। ब्रह्म चेतन ही इन शरीरों के भीतर बुद्धि का साक्षी बन के बैठा है पर निर्विकार ही है। तो ये कूटस्थ काल से निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं आया, चाहे सब बुद्धियों के भीतर भी बैठ के प्रकाश है और चाहे बाहर, किसी के दोष इसमें विकार आते नहीं है, असंग ही रहता है। इस प्रकार से जीव का जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान जीव को होता है, चिदाभास को होता है। अज्ञानता भी इसी को है। सात अवस्थाएं इस चिदाभास की ही शास्त्रों में बताई गई हैं। एक तो अज्ञान कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, पूछे कब से नहीं जानता हूं, ये कहता है मैं ब्रह्म को तो कभी से भी नहीं जानता हूं, तो अनादि सिद्ध हुआ ना। जीव की तरफ से अज्ञान अनादि है। फिर आवरण ब्रह्म नहीं है, नहीं भासता है, ये दो प्रकार का हुआ ज्ञान की आवरण शक्ति है, ब्रह्म नहीं है और नहीं भासता है, तो ये आवरण होता है फिर इस जीव को। और फिर उसके बाद में विक्षेप शक्ति होती है। विक्षेप शक्ति से क्या होता है, स्थूल सूक्ष्म ये दोनों शरीर बन जाते हैं और कहा इसमें चिदाभास प्रकट हो जाता है, कर्ता भोक्ता और सुखी दुखी होने लगता है, ये चिदाभास। इस प्रकार से इसको नाम विक्षेप शक्ति है। तो विक्षेप शक्ति के कारण ये जीव बहुत दुखी रहता है, जन्म मरण का बंध मोक्ष का बंध का अनुभव करता है, मुक्ति चाहता है किसी प्रकार से छूटू। इस प्रकार से सज्जनों अज्ञान और आवरण और विक्षेप शक्ति, इतनी चीजें ये अज्ञान की हैं। अब ज्ञान की कहा फिर गुरु की शरण में जाना, तो गुरु पहले ब्रह्म का परोक्ष रूप से उपदेश करता है, अस्ति ब्रह्मेत चेद वेद, परोक्ष ज्ञान में होता है। हे शिष्य ब्रह्म है, हे जीव ब्रह्म है, ये परोक्ष ज्ञान है। फिर गुरु कहता है तत्त्वमसि, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तू ही है। अपने रूप में उसका ज्ञान हुआ तो अपरोक्ष हुआ, जो तू बुद्धि का साक्षी है वो ब्रह्म ही बुद्धि के साक्षी रूप में सबके बुद्धियों में बैठा हुआ है, ऐसा पक्का ज्ञान कराता है तत्त्वमसि ये महावाक्य। तब इसको ये पक्का ज्ञान होता है कि वह जो ब्रह्म है वह मैं ही हूं, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान से क्या होता है कि असत्वपादक आवरण की निवृत्ति होती है, ब्रह्म नहीं है ये ऐसा जो ज्ञान था वो चला जाता है और ब्रह्म भासता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, ये अभानापादक आवरण है, इसकी निवृत्ति और महावाक्य से हो जाती है। ब्रह्म नहीं है इसका नाश तो ब्रह्म है ये वेद मंत्र कर देता है, ब्रह्म भासता नहीं है तत्त्वमसि ये महावाक्य तू ही ब्रह्म है ऐसा बता करके साक्षात ज्ञान करा देता है। तो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञान में उतत अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार उच्यते। तो ये जब साक्षात्कार महावाक्य से इसको होता है, जीव को साक्षात्कार माने हुआ ब्रह्म मैं ही हूं, इसमें संदेह नहीं, और फिर ईश्वर के वचन ये प्रमाण है, वेदवाक्य महावाक्य प्रबल प्रमाण है, इससे पक्का ही ये ज्ञान होता है कि
कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जब ऐसा ज्ञान हुआ तो ये अज्ञान चला गया, आवरण चला गया, ब्रह्म नहीं है नहीं भासता ये आवरण भी गया, बस फिर मुक्त ही है। तो इसको बड़ा हर्ष होता है, बड़ा आनंद होता है, ये हर्ष होता है, बारंबार बड़े आनंद को प्राप्त होता है और फिर इसकी तृप्ति होती है, फिर इसको कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे पहले इस ब्रह्म ज्ञान के लिए कर्तव्य थे ना, मल विक्षेप की निवृत्ति के लिए कर्म उपासना करना, फिर विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षुता ये साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु की शरण में जाना, फिर श्रवण मन निधि ध्यासन करना, ये पहले कर्तव्य थे ज्ञान होने के पहले। अब जब इसको ज्ञान हुआ तो कोई कर्म अब शेष न रहा। अब कुछ जानना अब शेष न रहा, अब कुछ पाना शेष न रहा। इसलिए निष्कर्तव्यता रूप तृप्ति का अनुभव करता है। अब मैं सुखी शांत हुआ, मुझको कुछ भी कर्तव्य नहीं। जानने के बाद ऐसी तृप्ति होती है सज्जन, यस्तु आत्मरतिरिव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते। अब जो करना था सो कर लिया, पाना था सो पा लिया, अब जो जानना था उसको जान लिया। अब मुझे कुछ जानना शेष नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है। ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव करता है सज्जन, परम तृप्ति, निश्चिंत हुआ, कुछ चिंता नहीं, अपने स्वरूप में विश्राम करता है। इस प्रकार से सज्जनों, अज्ञान, आवरण, विक्षेप शक्ति और ये सब, इनका सबका नाश एक क्षण में हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होते ही। अच्छा, फिर दोबारा ज्ञान होता नहीं, एक बार जाना हुआ ये ज्ञान, इन देह इंद्री मन बुद्धि से अलगाया हुआ ये आत्मज्ञान, फिर देह इंद्री मन बुद्धि के साथ में नहीं मिलता है, अपने को अलग ही जानता है। ये सब अज्ञान और आवरण और विक्षेप शक्ति के कार्य, माया के ही कार्य जानता रहता है। इनमें दृष्टा है ना इनका सबका, तो दृश्य में फिर कभी नहीं मिलता। एक बार ऐसा पक्का ज्ञान हो जाता है, पर तो ज्ञान को पक्का करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन बताया। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, सत्संग करते रहो, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसी का कथन करो आपस में और उसी का चिंतन भी करो और एक दूसरे को समझो समझाओ आपस में। ये ब्रह्माभ्यास है, ये मनन है सज्जनों। तो मनन करने से निधिध्यास पक्का ज्ञान हो जाता है, फिर भूलता नहीं है। तो सज्जनों, ये अपना पुरुषार्थ है। तो चारों कृपाएं सार्थक हो जाती हैं सज्जनों। अब खाली एक ईश्वर की कृपा पर या गुरु की कृपा पर ही बैठा रहे अब अपना स्वयं कुछ न करना चाहे, सोचो तो सही, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अरे ईश्वर और संत महात्मा गुरु लोग तो स्वभाव से दयालु कृपालु हैं, वो तो चाहते ही हैं कि हमारा हाथ इनके सिर में हो जाए तो इनका कल्याण हो ही जाए। परंतु सज्जनों, उतने मात्र से नहीं होता। नहीं तो गीता उपनिषद गुरुओं को क्यों सुनाना पड़ता, वो तो बस आशीर्वाद दया करके दे देते, बस सबका कल्याण हो जाता। तो सज्जनों, ये पुरुषार्थ भी अपना करना पड़ता, ये अपना जीव के लिए पुरुषार्थ बताया कि इतना पुरुषार्थ तुम लोग करो, तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।